नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन बघेल आपके सामने एक छोटा सा निवेदन लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक छोटा सा मेरा अपना कुछ दिन का पिछले दिन का विश्लेषण, उसमें ये चीज निकल के आई कि आजकल हम लोग एक एंडेमिक महामारी से एक जो पूरा देश पूरा वर्ल्ड दल से झेल रहा है, उस पर एक छोटा सा मेरा एक विचार, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगे तो आप प्लीज इसको शेयर कर देंगे। कोरोना कोई एक ऐसा वायरस नहीं है जो एकदम नया सा आपके सामने आ गया हो। कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस डिजीज 2019 का एब्रिविएशन बोले तो शॉर्ट फॉर्म है, ये बीमारी 2019 में चाइना के वुहान सिटी से चलकर पूरे देश पर एक महामारी का रूप लेने की स्थिति में, कुछ जगह पर ही ऐसा महामारी ले भी चुकी है। चाइना में ऐसी असंख्य मौत, एक संख्या मौतों की इतनी ज्यादा, इटली जैसे देश में, फ्रांस, जापान इस महामारी से जूझ रहे हैं और लोगों की स्थिति इतनी भयावह है कि मरने के बाद लोगों को कंधा देने के लिए अपने लोग नहीं मिलते और लोग लावारिसों की तरह दफना दिए जाते हैं, लाशों के ढेर लग चुके हैं। फ्रेंड्स, बात थोड़ी सी आपको कड़वी लगेगी, लेकिन जैसा कि हम अपने इस देश में कोरोना का मजाक टिकटॉक जैसे वीडियोस सोशल मीडिया पर या वहां कहीं जहां को मौका मिलता है वहां पे हम कोरोना का मजाक सा बनाने में लगे हैं, हम नीम अकीम जैसी कुछ चीजें आपके सामने इजीली लाके दे देते हैं, कोरोना इससे ठीक हो जाएगा, कोरोना उससे ठीक हो जाएगा, जबकि WHO की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि अभी तक कोरोना के लिए कोई ढंग की वैक्सीन प्रॉपर नहीं आ पाई है। तो मित्रों, हम लोग अगर अभी सीरियस नहीं हुए तो भयावह स्थिति, भयंकर स्थिति आपको हो सकता है देखनी पड़े। इसलिए मित्रों, साथियों, मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सुधर जाएं, क्योंकि जिंदा रहना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, अन्यथा परिणाम जैसे कि इटली, जापान, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश, चाइना जैसे देश जो कि टेक्नोलॉजी में आपसे कई गुना आगे हैं भुगत रहे हैं, तो शायद आपका भी बचाव ही केवल एकमात्र सहारा है। हम लोग तीसरी फेज की तरफ जा रहे हैं और इस फेज में जाने के बाद शायद आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोई इसका तोड़ नहीं मिल पाए। इसलिए मित्रों, मेरी ये गुजारिश आप लोगों से है, जो प्रिकॉशंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ITNs, WHO केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकारों ने हमको बताए हैं कि अगर वो कुछ बात कह रहे हैं अपने सचिव स्तर के लेवल की बात करें, अपने टेक्नोलॉजिस्ट से मिलकर बात करें, अच्छे अच्छे डॉक्टर से मिलकर बात कर रहे हैं, तो वो कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहे। इसलिए आप अगर थोड़ा सा भी लापरवाही करें तो फिर आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और आप के साथ साथ आपके बाल बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सब इस महामारी के शिकार होने की संभावना होंगे। तो अपना दिमाग, कॉपी और पेन लेकर कुछ चीजें स्पेशली स्ट्रिक्टली नोट कर लें कि केवल केवल बचाव ही इसका एक उपाय है। WHO ने, जैसा कि मैंने बताया, कि मानता है कि अभी तक कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं प्रॉपरली बन पाई है किसी भी देश में, तो हमको कुछ चीजों पर विशेष ध्यान देना है कि चूंकि हम लोगों का ये वायरस 2 से 14 दिन का टाइम ड्यूरेशन लेता है पूरा संक्रमण फैलाने में, तो जब तक पता चलता है कि कोरोना किसी को वायरस अटैक हुआ है तब तक दूसरे लोग संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए डियर फ्रेंड्स, अगर कोई अफेक्टेड आपका अपना हो गया और जब तक पता चला तब तक कुछ और लोगों को अफेक्ट कर सकता है, तो मेरा फिर से वही विनम्र निवेदन कि दिमाग, कॉपी और पेन पे कुछ चीजें आप स्ट्रिक्टली नोट कर लें कि आप डियर फ्रेंड्स साथ साथ खाना नहीं खाएंगे, इम्यूनिटी पावर की जितनी भी चीजें अवेलेबल है आप उनका सेवन करेंगे, सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली हिदायत कि दादा ताऊ लोग आप कृपया कर घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि सबसे ज्यादा इस एज पर इसका वायरस का असर रहता है। हम लोग सोशल मीडिया पर ये जो अननेसेसरी अफवाह फैलाने वाले वीडियोस हैं उनको नहीं डालेंगे, केवल ऐसे मैसेज जिनमें देश के हित में कुछ जागरूकता चीजें हैं केवल उन्हीं वीडियो को हम आगे
आगे आगे फैलाएंगे। और सबसे बड़ा निवेदन, क्योंकि धार्मिक आस्था वाली बात होती है, आप कृपया कर अपने धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, व्हाटएवर, उन जगह पर जाने से परहेज करें। स्कूल, कोचिंग और ऐसे संस्थान जहां पे ऐसी भीड़ क्राउड होती है, चाहे मॉल हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो, रेस्टोरेंट हो, इन चीजों को आप एकदम अवॉइड कर लेंगे, जिंदगी रही तो शायद आप कुछ कर पाएंगे, जीवन नहीं रहा तो शायद कुछ नहीं बचेगा, आपकी आगे वाली संततियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए डियर फ्रेंड्स, भीड़ भाड़ वाले इलाके, स्टेशन, बस स्टॉप, जो भी हो सकता है, कभी कभी लोग धरना, प्रदर्शन जैसी चीजों को भी अंजाम देना चाह रहे हैं, जुलूस पे जाना चाह रहे हैं या एक जगह इकट्ठा होकर मीटिंग्स करना चाह रहे हैं, ऐसे डेस्टिनेशंस पर प्लीज 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 आप एकदम अवॉइड कर लें। हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज प्रॉपर करें। और जरूरी नहीं है कि हम लोग मार्केट में मास्क नहीं मिल रहे, मार्केट में सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे, चूंकि ये एक प्रॉपर वे नहीं है, प्रॉपर रोकथाम का आवश्यक चीजें भी नहीं है। आप साबुन से हाथ धोएं, जरूरी नहीं है, सैनिटाइजर्स नहीं मिलेगा तो आप हाथ नहीं धोएंगे, दिन में कई बार 10-20 बार आप हाथ धोएं, हो सकता है कि आपकी सुरक्षा आपको बचाव कर दे। लोग कहते हैं कि मार्केट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अगर नहीं करेंगे तो शायद आप मरेंगे भी नहीं, लेकिन अगर जिंदा रहे तो शायद चीजें आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्या हो जाएगा अगर आप दोस्तों से अभी हैंड शेकिंग नहीं करेंगे, दोस्तों से नहीं मिलेंगे? डियर फ्रेंड्स, आप कॉल करके अपना काम चला सकते हैं। क्या हो जाएगा ऐसा कुछ जब आप 2-4 दिन बाजार शॉपिंग करने नहीं जाएंगे? डियर फ्रेंड्स, जो कपड़े पड़े हैं वो आप पहन सकते हैं, खाने पीने की चीजों को बहुत ज्यादा रूप में स्टोर कृपया करना करें, क्योंकि हम लोगों के यहाँ कुछ दिन पहले मैंने न्यूज देखी थी कि लोगों ने सैनिटाइजर्स, मास्क वगैरह को स्टोर करके रख लिया। ऐसी नीचता, ऐसी गंदा मस्तिष्क हम लोगों के कुछ देशवासियों का है। खैर, मैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कटाक्ष कुछ नहीं करना चाहूंगा। ऐसी मानसिकता, ऐसी विषम परिस्थितियों में ऐसे लोग, ऐसे फ्रॉड, ऐसे चीटर, ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोगों को शायद ऊपर वाला ये कुछ बताएगा। क्या ऐसा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ऐसा कि आप अभी धरना आज के बजाय कुछ दिन बाद कह देंगे, अपनी बात को दूसरे तरीके से कह देंगे, सोशल मीडिया के थ्रू कह देंगे, लेकिन वो कुछ दिन के बाद हो सकता है कि आप इस धारणाओं के लिए जिंदा ही नहीं रहे। तो डियर फ्रेंड्स, आप सुधर जाएंगे, दिन में मल्टीपल टाइम बार हाथ धोएंगे, कहीं घूमने, आपको लगता है कि छुट्टियां होगी तो नहीं घूमाए, अभी कोई छुट्टियों का टाइम नहीं चल रहा डियर, आपको जिंदगी रही तो घूम फिर भी आएंगे। भयावह स्थिति, आज शायद मौत का आंकड़ा सुबह की न्यूज के अनुसार 10,000 के नियर अबाउट पहुंच गया है, और लाखों लोग बीमारी से पीड़ित है। हम जैसे देश में 3 केसेस आप सुन ही चुके होंगे न्यूज में, बहुत सारे लोग अफेक्टेड, और मैसेज जो फॉरवर्ड करते हैं हम लोग मजाक वाले, अगर उनको रोक देंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा कि हम चीजों को थोड़ा सा पॉजिटिवली लेके लोगों को जागरूक कर दें, और केवल ऐसे जागरूकता वाले मासेस को ही फॉरवर्ड करें। एक और मेरा छोटा सा निवेदन आप लोगों के लिए, कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक छोटा सा मैसेज आप सभी लोगों के लिए, वो कोई मजाक नहीं है, वो कोई ड्रामा नहीं है, वो कोई सरकार की अपनी चर्चा का विषय नहीं है। 22 तारीख का दिन केवल इसलिए चुना है बिकॉज संडे का दिन जनरली हम लोग छुट्टी सेलिब्रेट करते हैं, और कोरोना के वायरस को ह्यूमन में डेवलप होने से मरने तक का जो समय है वो अप्रोक्स 36-72 आवर्स होता है। तो हम एक छोटा सा कदम ये उठा सकते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग वाले रोल को प्रॉपरली अदा करेंगे, और सैटरडे पूरी नाइट, संडे पूरी नाइट कुल मिला के 36 आवर्स होते हैं, और 36 आवर में अगर सोशल कनेक्टिविटी, हैंड शेकिंग, पर्सनली मीटिंग नहीं हुई, और हम सोशल डिस्टेंसिंग को अगर प्रॉपर फॉलो कर पाए, तो 36 आवर में कोरोना जैसा वायरस इजीली खत्म हो सकता है। इसलिए सरकार की कोशिश है, हम लोग आए दिन आजकल सरकारों को कोसते रहते हैं, सरकार में विपक्ष के लोग कोरोना जैसे वायरस के लिए, जिसको पूरा देश एक महामारी का शिकार हो गया है, हम सरकारों पर आक्षेप लगाते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं,
डियर फ्रेंड्स, सभी को एकजुटता, समझदारी दिखाने का मौका है। अगर आप जिंदा रहे तो सारी चीजें फिर भी कर पाएंगे, और बाकी आप खुद समझदार हैं, क्योंकि केवल और केवल सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र उपाय है। जब तक हम कोई वैक्सीन डेवलप करेंगे तब तक हजारों मौतें हो चुकी होंगी, और हमारा देश आर्थिक रूप से ज्यादातर ऐसे लोगों का है जो सक्षम नहीं है, जिनको जब तक पता चलेगा कि कोरोना का इफेक्ट है तब तक बस्तियां की बस्तियां, स्लम्स एरिया का पता नहीं क्या हाल होगा। हम लोग इतने लिटरेट होके भी, लिटरेट जैसे काम करते हैं कि और देशों की अपेक्षा 100 times हमको भयावह रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, एक विनम्र निवेदन कि आप प्लीज 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 ऐसे जागरूकता वाले मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं। 22 तारीख को जनता कर्फ्यू का स्वागत करें, और आप भी इसका एक हिस्सा बने, और इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर दें। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करें, नहीं तो एंडेमिक महामारी यहां पे भी होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सो प्लीज फ्रेंड्स शेयर कर देंगे, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन आपके लिए। धन्यवाद।